हेलो गाइस, वेलकम टू 45 सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के बारे में बात करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये टूल हमारा डोमेन्स की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसको एक्सेस कैसे करना है। लाइक अदर टूल्स, इसको भी हम दो वे से एक्सेस कर सकते हैं, ग्राफिकली एंड कमांड लाइन के थ्रू। मेरा ये मेथड बताने का मोटिव ये है, इनकेस अगर आप कमांड भूल जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसको ग्राफिकली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि उसको ग्राफिकली कैसे एक्सेस करना है। उसके लिए आपको टॉप लेफ्ट पे ऑप्शन है एप्लीकेशंस का, वहां पे क्लिक कीजिए नीचे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, एंड उसके नीचे ही आपको डीएनएस एनालिसिस करके ऑप्शन मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉपअप विंडो में जाएंगे तो डीएनएस ईनम करके आपको ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक कीजिए, आपका टूल ओपन हो जाएगा। एंड जैसे ही आपको विंडो मिलेगा, वो आपका डीएनएस ई नम को एक्सेस करने के लिए आपका विंडो है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल आपको एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है। जैसे ही आप न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, आपको जस्ट टाइप करना है डीएनएस ई नम एंड एंटर। आपको आपके डीएनएस ईनम का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप इन दो वे से में किसी कैसे भी ओपन कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि डीएनएस ईनम का मतलब क्या है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, एंड ईनम का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना। बेसिकली ये टूल हम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज करते हैं। इसका मेन मोटिव क्या है, ये टूल जो है वो डीएनएस एंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। मेन ये जो भी डीएनएस रिकॉर्ड रहते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन के, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करके देता है। अगर आप इस टूल के ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको बताया गया है कि इसका कौन सा वर्जन है, दैट इज 1.2.4, एंड आफ्टर दैट आपको उसको कैसे यूज करना है, उसकी ऑप्शंस दी गई हैं। यहाँ पे इसकी इतनी सारी ऑप्शन, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप एक मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इसमें क्या एक्सेस करने को मिलेगा, आप में इसमें इस टूल के थ्रू आप क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मान लो आपको एक डोमेन के बारे में उसका होस्ट एड्रेस जानना है, या फिर आप उसके नेम सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसके मेल एक्सचेंज का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एंड इवन आप उसके सब डोमेन्स का अगर चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करना है, तो इस टूल की हेल्प से आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन आप हु इज इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि उसके जो वेबसाइट रजिस्टर हुई है जो डोमेन, तो उसकी कौन सा नंबर है वहां पे, उसके डीएनएस नेम सर्वर्स कौन से हैं, देन उसका रिवर्स लुकअप इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। अब ये देखते हैं कि उस टूल को कैसे एक्सेस करना है। उसके लिए आपको क्या कमांड डालना है, डीएनएस ईनम एंड नेक्स्ट डोमेन नेम। आप कोई भी डोमेन नेम डाल सकते हैं, बट अभी मैं एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे google.com डाल रही हूँ, एंड सिंपल एंटर प्रेस कीजिए एंड सी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें होस्ट का एड्रेस मिल रहा है, दैट इज 5 मीन्स इट्स इंडिया, एंड ए का मतलब है यहाँ पे कि वो IPv4 है। एंड उसके बाद देखिए आपको उनके नेम सर्वर मिल रहे हैं, तो ये इनके नेम सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। एंड उसके नीचे देखिए यहाँ पे मेल एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऐसे करके हम इसका डीएनएस के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सिंपल स्कैन था, अगर आप और भी ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं। डीएनएस के बाद आप -ईनम डाल के आप उसको यूज करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन नो रिवर्स है, मतलब अगर चाहते हैं कि रिवर्स लुकअप नहीं चाहिए तो आप ये ऑप्शन यूज करिए। अगर आपको वैलिड सब डोमेन का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप -- सब फाइल का इन्फॉर्मेशन यूज कीजिए। देन वर्बोज के लिए है, आपको कितने पेज का वैल्यूज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर सब डोमेन पे ब्रूट फोर्स परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप -f करके अपना फाइल का पाथ देख के
आप वहां से ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उसके सब डोमेन्स का जो भी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करके आप कर सकते हैं। सो नीचे उसका ही हु इसका इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हाइफन डब्ल्यू करके आप पर्टिकुलर डोमेन का इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है उसका आपको कहीं पे उसका रिजल्ट आउटपुट स्टोर करना है तो आप हाइफन ओ ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस टूल, यहाँ पे हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो आई होप आपने आप अंडरस्टैंड कर गए कि DNS enum को हमें कैसे यूज करना है। थैंक यू गाइस एंड रब रखा।